जी एवरीवन कैसे हैं आप लोग तो सब अच्छे हैं बेटा तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया एक्ट नाम सुना होगा बट exactly इस एक्ट को शुरू करने से पहले कुछ बातें हो जाए बेटा वो बातें जो आप लोगों को इस एक्ट से कनेक्ट करेंगी क्योंकि तो समझने से पहले जाना जरूरी है एक्चुअली एक्ट था क्या नॉर्मली

जब ब्रिटिश हुआ करते ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तो उन्हें इंडिया में कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जो अपनी लेन देन होते थे, थे उनको कंटिन्यू करने के लिए मॉनेटरी डीलिंग्स को पूरा करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स को वो लोग यूज करते थे पेमेंट्स के लिए पैसे के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता रहा बेटा नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट आज इसका मीनिंग थोड़ा अलग हो चुका है लेकिन ध्यान रखना मैं पहले पहले मीनिंग पहले मीनिंग क्या था इसका तो नॉर्मली ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे ब्रिटिश अपनी डीलिंग्स के लिए जहां पैसा ट्रांसफर करने की बात आया करती थी वहां यूज करते थे उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाया करता था था इसका रीजन था, उस टाइम पे चोरी होना रॉबरी होना ये एक आम बात हो गई थी इसलिए ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा रिस्की पार्ट लगता था यार कि अगर पैसे को अमाउंट मनी कैश के फॉर्म में अगर यहां से वहां कहीं ट्रांसफर करना है तो वो बहुत रिस्की पार्ट हो जाएगा हमारे पास में तो उसके लिए उन्होंने ए पीस ऑफ पेपर दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ यूज करने चालू की जिसकी हेल्प से अब वो अपने पैसे को एक प्लेस एक पर्सन से सेकंड पर्सन की ओर ट्रांसफर किया कर सकते थे तो उसी से वर्ड निकल के आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो मैंने बेसिक से वर्ड बोला कॉमर्शियल डीलिंग्स और मॉनेटरी डीलिंग के लिए यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आज भी ये डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है गाइस ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है इसमें लगातार इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं लेकिन अभी भी

Transfer. याद रखना negotiable का मतलब है ट्रांसफर करना the word from love, जो आप अपने British English लो से पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है बेटा करना। जिसे आजोशियबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं पहले इसका नाम था द इंग्लिश नगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इससे पहले इसका नाम था इंग्लिश इंग्लिश में जाएगा हम बात कर रहे हैं जब इसकी

अब यहां पर क्या हुआ जो पैसा मैं आपको देने वाला था अब वो मैं इन कैश मतलब पूरी तरह पेमेंट मनी कैश में ना देके अगर मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करूं मैं आपके नाम पर कुछ डॉक्यूमेंट इश्यू करूं जिसकी हेल्प से आपको पैसा मिल पाए तो दैट डॉक्यूमेंट विल बी एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहां पर जो पर्सन डॉक्यूमेंट इश्यू करता है उसी को कहा जाता है क्रेडिटर उसी को बोलते हैं बेटा ड्रोवर बार बार नाम आएगा ड्रोवर

इसी को बोलते हैं पेयर ये बार बार अलग अलग डॉक्यूमेंट में आपको नाम देखने को मिलेंगे ट्रांसफर मतलब उसे क्या बोलोगे उल्टा क्या बनेगा ये बन जाएगा ड्रोई इसी को ड्रोई कहते इसी को नाम देंगे हम आगे जाके पेई मैं बेसिक बता रहा हूं पहले इसी को बोलेंगे बियर सर बियनर वर्ड क्या होता है बच्चों को ना पूरा एक्ट पढ़ लेता है वर्ड क्लियर नहीं इसलिए वर्ड पहले क्लियर करो जिस बंदे का नाम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा है जिसके नाम पे आप डॉक्यूमेंट जिसके नाम पे आप पेमेंट ट्रांसफर करना चाह रहे हो दैट पर्सन विल बी एज जिसका नाम नाम है उसके ऊपर जो कर अपने नाम को तो ये पर्टिकुलर कंटेंट की भैया जब सामान सप्लाई की जाएंगी पैसा देना पड़ेगा पैसा आएगा तो वो सारी चीजों में जो डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है तो उन डॉक्यूमेंट को कहते हैं बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट का मेनली वर्ड क्या होता है नॉर्मल वर्ड क्या होता है द वर्ड नेगोशिएबल का मीनिंग बोला मैंने

जब गुड्स सप्लाई की जाएंगी सामान किसी जा जा नेगोशिएबल सा इंस्ट्रूमेंट तो आइडिया मिला कि एक्चुअली एक्ट act है क्या और ये किसका पिछला बेस है ब्रिटिशर्स वाला पार्ट अब मैं आता हूं आपके कंटेंट के ऊपर अब हम आएंगे अपने कंटेंट के ऊपर कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स इसका मीनिंग क्या बना था? तो आपने मीनिंग यही सीख लिया चेक करो कि आपने यही मीनिंग सीखा बेटा सोचो क्या आपने यही मीनिंग सीखा कि भैया सिंपल सी बात सिंपल सी बात क्या कि negotiable का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा बता रहा है मुझे ये बात तो क्लियर हो गई ना कि भैया क्यों यूज किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट नॉर्मली डीलिंग्स करने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड डीलिंग करने के लिए मॉनिटर डीलिंग करने के लिए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करने के लिए कैश को यूज करने की बजाय डॉक्यूमेंट यूज करते हो आप चेक कभी इश्यू करते हो प्रोमिस दे नोट दे तो आपके पास में के, के पार्ट है और मेजरली हमारे पास यही पार्ट चलता है हमेशा नॉर्मली अभी करंट डीलिंग्स के अंदर पहले और भी नाम हुआ करता है तो बात करते हैं आई तीन वर्ड बोलता हूं तो वर्ड क्या निकला क्या मैं कह सकता हूं बेटा नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट मीन ए रिटर्न डॉक्यूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट डिलीवर करके या एंडोर्स करके एंडोर्स का मीनिंग क्या होता पता है है पता ना अगर किसी ने मान लो मैंने गुड सप्लाई की थी आपको आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिया तो आपने डॉक्यूमेंट मेरे नाम से दिया अगर वो डॉक्यूमेंट मैं किसी और को देना चाहूं कि भैया हो सकता है भाई मैंने भी किसी सामान लिया तो अगर मैं चाहूंगा ना कि मैं वो डॉक्यूमेंट किसी और को दे दूं तो इसे कहा जाएगा एंडोर्समेंट क्या बोलेंगे

जब आपने आपको मैंने गुड सप्लाई की और आपने मेरे नाम से एक डॉक्यूमेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट इशू किया कि भाई देख ये डॉक्यूमेंट से तेरे को पैसा मिल जाएगा तुझे इस डॉक्यूमेंट को दिखाना है और तुझे पैसा मिल जाएगा लाइक like याद करो जब अगर मान लो मैंने तुम्हें सप्लाई को डॉक्यूमेंट सामान सप्लाई किया और आपने मेरे नाम से एक चेक इशू किया चेक तो पता ना कॉमन वर्ड है ये दोनों ही तो पता है ना भाई चेक तो हम लोग यूज करते हैं पता भी होगा हाँ, हाँ हाँ सर पता है तो चेक क्या करता है अब आप मुझे बताओ उस चेक के क्या वो चेक पेमेंट है क्या नहीं सर चेक कैश थोड़ी होता है

तो कहने का मतलब क्या है कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसे यूज किया जाता है किसके लिए किसी के फेवर में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए और जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा जिसके नाम तो डॉक्यूमेंट होगा बेटा क्या होगा उसके पास उसका राइट होगा कि वो उस डॉक्यूमेंट से अपना पैसा कलेक्ट कर पाएगा अपना पैसा कलेक्ट कर पाएगा तो ऐसे डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है बेटा क्या नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बोलो याद रहेगा तो आपको नॉर्मली वर्ड यहां पर याद रखना है रिटर्न डॉक्यूमेंट विच इज

आपने कोई डॉक्यूमेंट कोई चेक कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई प्रोमिस नोट मेरे नाम से इशू किया कि नितिन सर को पेमेंट दे देना आपने बोला नितिन सर ने गुट दी थी नितिन सर को इतने टाइम बाद ही पैसा मिल जाएगा तो यहां पर आप हैं मैं हूं आप एपे पेयर pay, मैं हूं पेई यही बोलेंगे लेकिन अगर सोचो क्या अगर वो डॉक्यूमेंट वो चेक वो बिल ऑफ एक्सचेंज वो प्रोमिस नोट अगर मैंने किसी तीसरे पर्सन को दे दिया कि भाई काम कर मुझे मिला था तू भी ले ले तो वहां पर उस डॉक्यूमेंट को जब इश्यू किया जाएगा तो इसे कहा जाएगा बेटा एंडोर्समेंट क्या बोलेंगे एंडोर्समेंट यहां पर मेरे नाम बदल जाएगा मेरा नाम क्या लगेगा एंडोर्सर और इसका नाम क्या लाएगा एंडोर्सी याद रखे क्या बोला तो दो टू वर्ड वर पढ़ने को मिलेंगे एंडोर्समेंट किसे कहेंगे और मेकर पे का फोन कंटेंट ध्यान रखना अपने पास है. इवन अगर वो पर्सन जिसको मैंने दिया अगर वो डॉक्यूमेंट को आगे और ट्रांसफर फ्रीली वर्ड लिखा बेटा फ्रीली मतलब भैया किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो तो जब वो पर्सन किसी और को ट्रांसफर करेगा

तो होपफुली आप लोगों को अभी तक ये आइडिया तो मिल गया होगा बेटा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते किसको हैं इस एक्ट में किन किन लोगों की बात आने वाली है अभी करंट पार्ट के अंदर प्रेजेंट में ये तीन कंटिन्यू होते हैं आगे बढ़े आगे आते हैं अब मैं वन बाय -वन स्टार्ट कर रहा हूं पहले मैं शुरू कर रहा हूं प्रोमिस नोट के बारे में बात है सेक्शन नंबर फोर वट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिसिंग नोट लेकिन उससे पहले और सीखते हैं अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रोमिजिंग नोट क्या होता है हमारे पास में नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट क्या लेकिन उससे पहले उससे पहले थोड़ा और जानते हैं हमारे पास में हमारे नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो नंबर वन मीनिंग ऑफ नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट अब दो बातें आएंगी भाई जो मैंने आपको वर्ड बोला कि नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में दो वर्ड्स एक वर्ड बोला मैंने बियर और एक बोला ऑर्डर सुनना जान सकाईस आपको मेनली हैडिंग बनानी है अपने पास में लिखना इस पार्ट को समझाऊ कैसे लिखना है तो हेडिंग बनाओ सबसे पहले कि क्लासिफाई करते हैं कि भैया कितने टाइप के आपके नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया कैटेगराइज किया गया तो मीनिंग तो कॉमन समझ में रिटर्न डॉक्यूमेंट अब आते हैं आगे बात को तो पहला वर्ड निकलता है क्लासिफिकेशन का फर्स्ट वर्ड है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड ऑफ ऑर्डर और बियर ऑर्डर or और बियर का मतलब क्या पहले वो समझो ध्यान से ऑर्डर का मतलब क्या और बियर का मतलब क्या तो पहली बात बोली ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट दे रहे हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पर रिपीट कर रहा ध्यान से बात को अब सोच के देखो आपने पेमेंट दी थी बताओ आपने पेमेंट ट्रांसफर की थी अब एग्जांपल देखो दिखाता हूं मी शो यू एग्जांपल यहां पर मैं था मैं कौन था सप्लायर हुआ एम आई एम द सप्लायर ऑफ गुड्स ऊपर नाम भी लिया मैंने पहले यहां पर दे बेटा आप आप ठीक है भाई जिसको गुड्स बेची गई कस्टमर है हमारा वो ठीक है तो क्या किया आपने क्या किया बेटा आपने मेरे नाम से एक डॉक्यूमेंट इश्यू किया आपने मेरे नाम से डॉक्यूमेंट इश्यू किया तो मेरे नाम मतलब भाई स्पेसिफिक नाम है नहीं है हाँ है तो या तो अगर आपने वो डॉक्यूमेंट मेरे नेम से इशू किया स्पेसिफिक पर्सन पर्टिकुलर पर्सन या आपने बोला नितिन सर और इन इज ऑर्डर ऑन इज ऑर्डर या उनके ऑर्डर पे जिसको भी नितिन सर जिसको भी डॉक्यूमेंट देंगे उसे पेमेंट मिल जाएगी तो दो तरीके से बोला या तो मेरे नाम से सुनना या तो मेरे नाम से आपने डॉक्यूमेंट इश्यू किया हो या आपने लिखा हो नितिन सर और इज ऑर्डर इसका मतलब भैया नितिन सर चाहे तो डॉक्यूमेंट को आगे भी किसी को दे सकते हैं बट समझना वर्ल्ड का बड़ा गेम है नितिन सर और इस ऑर्डर मतलब नितिन सर या नितिन सर की ऑर्डर पे पेमेंट किसी को मिल सकती है क्लियर है तो जब ऐसा डॉक्यूमेंट इश्यू करते हो तो उसे लो में नाम दिया गया बेटा क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं लिखा भी है पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया और या इस डॉक्यूमेंट को एंडोर्स भी कर सकते हो या इस डॉक्यूमेंट को डिलीवरी भी बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट दोनों तरीके से डॉक्यूमेंट हो सकता है तो क्लैरिटी मिली यहां पर पहला मीनिंग

आपने मेरा ऑर्डर की बात ही नहीं की बोला सिर्फ ओनली टू नितिन सर आई आई विल प्रोमिस टू पे दिस अमाउंट टू नितिन सर ओनली नाउ प्लीज टेल मी क्या मैं किसी और बंदे को वो डॉक्यूमेंट दे पाऊंगा बेटा सोचो जब आपने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया नितिन भारद्वाज सर दैट मैं उसे आगे एंडोर्स कर पाऊंगा आपने क्या किया आपने डिलीवरी लेकिन मैं आगे दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा Unless, जब तक, आप, आप तक मेकर लेकिन अगर आपने लिख दिया नितिन सर ऑन इज ऑर्डर और, और मतलब या तो नितिन सर को मिल जाए पेमेंट या उनके ऑर्डर पे जिसको भी मिल सके मिल जाएगा तो बेटा ऐसे पार्ट को कहा जाता है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोलो क्लियर हुआ

भाई किसी भी पर्सन को कर सकते हो आप स्पेसिफिक नाम हो सकता है एग्जाम्पल आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी सुनना ध्यान से नॉर्मली बोलते हैं ना कि चेक क्या चेक वो, चेक इशू होता है तो काफी बार चेक के ऊपर नोटिस किया होगा लिसन टू मी एक बात कॉमन सी बात कर रहा हूँ बीच में ताकि क्लैरिटी मिले जब आप लोग चेक वगैरह देते हो या नाम लिखा है अकाउंट नंबर लिखा है ठीक है अमाउंट लिखी होती है साइन किए हुए नंबर लिखे ठीक है तो अक्से देखा हो चेक के ऊपर कभी कभी लोग दो डबल क्रॉसिंग कर देते हैं ऐसे डबल लाइन खींच देते हैं उसको क्या बोलते हैं क्रॉसिंग कौन सी होती है कभी कभी पर्सन कुछ ऊपर क्रॉस नहीं करते हैं या बीच में अकाउंट पे ही लिख देते हैं तो उनका मतलब क्या क्रॉसिंग ऑफ चेक चेक के अंदर लेकिन मुझे एक बात बताओ अगर किसी चेक को क्रॉस क्रॉस नहीं 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 किया गया, नहीं किया गया गया नाम भी लिखा पे बस अमाउंट लिखी साइन किया हो ध्यान रखना रहन बेटा उसे उस चेक को आप कैश निकालने के लिए यूज कर सकते हो मतलब जिन इसका मतलब जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट होगा जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट होगा जब उसमें नाम ही नहीं लिखा तो बोलते हैं कैश में, में चेक, चेक पेमेंट मिल जाएगी तो चेक किसी को मिल गया जिसमें तो ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बेटा बियर इंस्ट्रूमेंट द बीर इट्स यहां पर बियर का सिंपल सा मतलब है, जिसके पास डॉक्यूमेंट उसका पैसा ऑर्डर मतलब जिसका नाम है उसको पैसा जिसके नाम पे ऑर्डर दिया गया उसको पेमेंट लेकिन यहां पर मतलब क्या होता है बियर मतलब बेटा सिंपल सी बात जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा उसे पैसा मिल जाएगा उसे पैसा मिल जाएगा लेकिन जनरली नोट कैसे हो सकता है वहां तो नाम लिखा होता है तो यहां स्पेसिफिकली क्या बोला पढ़ते हैं तो पहला वर्ड क्या बोला बियर इंस्ट्रूमेंट क्या इट इज ओनली इट इज पेबल टू एनी पर्सन यहां क्या था स्पेसिफिक दूसरा इट इज ओनली मेड बाय डिलीवरी क्योंकि यहां पर नाम तो है ही नहीं हो सकता है नाम ना लिखा हो तो एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट कहां से आएगा भाई जिसका मन किया अपना पेमेंट करवा लेगा तो इज ओनली यहां पर और डिलीवरी दोनों हो सकता है बट यहां पर ओनली डिलीवरी होगा और मैं क्लैरिटी दोबारा दे रहा हूं डिलीवरी का मतलब होता है बेटा वॉलंटरीली ट्रांसफर दी पोजीशन ऑफ गुड्स गुड्स से पढ़ाया आपको मैंने मीनिंग इसका मीनिंग अब भी यहां पर भी वही रहेगा कि जब कोई पर्सन अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से किसी के नाम पर किसी गुड्स का किसी सामान का किसी डॉक्यूमेंट का कंट्रोल ट्रांसफर करता उसे है उसे बोलते डिलीवरी एंडोर्समेंट का मतलब किसी ने किसी को ट्रांसफर किया और उसके बाद वो आगे ट्रांसफर हो रहा है एंडोर्समेंट कहा जाता है उसको क्लियर तो यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर क्या है बाय ओनली डिलीवरी नंबर वन एग्जाम्पल देख लो पे टू ए और बी एर यहां पर ऑर्डर नहीं लिखा बी एर लिखा मतलब या तो ए को दिया या आपने एग्जाम्पल के लिए क्या किया आप मैंने आपको दिया था अभी क्या बोला था मैंने कि भाई एक चेक है

तो आगे बढ़ते हैं Next one is, topic पे बात करते हैं कि सर नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स कौन कौन से अब एक कौ, कौ, कुछ बातें रट्टा मारना भैया सीख बात 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 बताओ? जब आप करो 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 अपने पास में किसकी प्रोमिस नोट की ये तीन ही है इवन एज पर सेक्शन नंबर थर्टीन अगर मॉड्यूल ओपन करोगे आपको ये डेफिनेशन दिखेगी वहां इंस्ट्रूमेंट मींस प्रोमिस नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक

लेकिन ये नहीं होगा जब मैं बोल रहा हूँ इस टाइम पे नंबर टू क्लियर हुआ आ बात करते हैं इसको कौन इशू करेगा कौन नहीं करेगा बोलो क्लियर हुआ हमेशा इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना चाहिए नंबर टू कौन इशू करेगा बात यहाँ पे पहले एंडोर्समेंट की नहीं कौन करता है भैया मस्ट बी साइंड बाय इसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए किसके जिसने ड्रॉ किया है जिसने बनाया है तो ड्रोवर कहूं मेकर कहूं या पेयर कहूं बात तो एक ही है भाई साहब ड्रोवर मेकर पेयर या डेटर बोलो क्लियर हुआ हाँ है ना उसके सिग्नेचर अब बताओ तुम्हारे साइन के अब बताओ एक चेक के ऊपर मैंने अमाउंट भर ली अमाउंट पांच लाख रुपए क्या उसे पेमेंट मिल जाएगी मेरे को विदाउट विदाउट सिग्नेचर क्या बात करो नहीं मिलेगी ना भैया तो सेम भैया साइन होने जरूरी है नंबर टू नंबर थ्री कह रहे सर

ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो डेट टाइम के अलावा हो भाई टाइम लिख सकते हो ना टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ना टाइम मतलब कि दो महीने बाद पेमेंट मिल जाएगी अब अगर मान लो मैं किसी को दिस कैन बी पार्ट एग्जाम्पल बोलू ऑन मैरिज वैन द मैरिज ऑफ माइ डॉटर विल अकर दिस कैन नॉट बी कंडीशन नंबर थ्री आगे आते हैं मस्ट बी

शुड कॉल फॉर पेमेंट ऑफ सर्टेनसम अब बताओ क्या मैं किसी डॉक्यूमेंट में यह लिख दू क्या बताना मुझे भैया आई विल पे समाउं टू दिस पर्सन ऐसा लिखोगे समाउंट या अमाउंट का स्पेसिफिक होना जरूरी है जब आप नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट करते हो कर चेक एग्जाम्पल कि चेक के ब्लैंक पर लिख दू कुछ भी अमाउंट दे दो है नहीं ना यू आर राइट विफिक रुपीज ना कितना अमाउंट भरते हो वहां पे

वही सेम वर्ड जो आपने सेल ऑफ में सीख लिए थे एक वर्ड पोजेशन जिसे बोलते हैं है कंट्रोल सेकेंड वर्ड इज प्रॉपर्टी दैट मीन कॉल टाइटल ऑनरशिप तो कैन यू प्लीज टेल मी गाइड यहां लिखा प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट मे बी पास अब जवाब दो जब आप किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो तो पोजेशन कंट्रोल के साथ साथ क्या वहां पर ऑनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अगर आपने मेरे नाम से कुछ चेक इशू किया आपने कोई बिल इशू किया मैं तीन ही बार बोलूंगा तो आपने कोई प्रोमिजरी नोट इशू किया कि मैं प्रोमिस करता हूं पेमेंट मिल जाए आपने कोई बिल इशू किया या आपने कोई चेक इशू किया तो कैन यू प्लीज टेल मी क्या उसका टाइटल उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का टाइटल भी मेरे नाम से ट्रांसफर होना चाहिए नहीं होना चाहिए होना चाहिए और ट्रांसफर कितने तरीके से होता है पहले पढ़ लिया The transfer may be made by two things, two types. One is called delivery or endorsement. वही यहाँ पे लिखा है। तो बोला negotiable instrument कर रहे हो, तो भैया property instrument में pass होनी जरूरी है। Pass मतलब transfer होना जरूरी है। That is called transfer of property must be made, must be must be there while you are doing metal issue and instrument. कौन सा negotiable instrument transfer कर रहे हो? तो one is called by delivery or by endorsement. Endorsement का meaning वही है। आगे दूंगा तब। तो मुझे दोगे इसको डिलीवरी का पार्ट। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट डे लास्ट इज कंसीडरेशन जरूरी है नहीं अब बताओ क्या आप किसी के नाम पर एक बात बताना? परिजन समझते हैं बात। तक क्लियर से क्लियर है है? पार्ट अभी सुनते हैं एक बात बताओ यार सोच के हैं। जब आप किसी को कर रहे हो, तो कुछ तो बदले में हुआ होगा ना सुनना क्या बोल रहा हूं मैंने पहले ही बोल दिया ट्रेड डॉक्यूमेंट्स कॉमर्शियल डीलिंग्स के अंदर इन डॉक्यूमेंट को यूज किया जा रहा है इसलिए बोल रहे हो पास में तो अगर मैं किसी परसन, मैंने किसी पर्सन पर्सन मैंने से कोई सर्विस ली थी कोई एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहा था मैं उसे सैलरी दे रहा हूँ चेक के थ्रू तो भी क्या कंसिडरेशन नहीं है क्या सर्विस एंड अमाउंट पढ़ चुके हो कंसिडरेशन मतलब बदले में समथिंग इन रिटर्न किसी ने कुछ आपको दिया बदले में कुछ दे रहे हो एग्जाम्पल मैंने बोला मैंने आपको गुड सप्लाई की थी उसके बदले आप पेमेंट दे रहे हो बेटा हाँ है ना हाँ सर तो कंसिडरेशन हमेशा होगा ये प्रिजम्पन है एंड यू आर इशू कर रहा हूं मतलब नहीं है तो ये लो इसे मान हुआ होगा नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पर एक प्रिजम्पन है प्रिज्यूम है कि भैया कंसिडरेशन ऑलरेडी अकड़ हो चुका है बोलो समझ में आया यस और नो दिस असेंशियल एलिमेंट जो बेसिकली हमें पता भी है पहली बात राइटिंग होना चाहिए साइन होना चाहिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर ऑर्डर किसी के पे होना चाहिए साइन उसके बाद में अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए अमाउंट के अलावा मनी ही हो सकता है रिमेंबर कंडीशन नहीं होनी चाहिए टाइटल ट्रांसफर होना चाहिए मस्ट बी देयर बोलो क्लियर हुआ एंड होल पार्ट इज टर्म एड असेंशियल या फीचर्स ऑफ अपने पास में क्लियर हुआ तो एक नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है ये तो हमें पहले आइडिया मिल चुका था अगर पे देखना है भैया डॉक्यूमेंट उठाना आप घर पे चेक बुक करके के देखना उस पर लिखा होता है मुंह से मुझे लिखते हो ना रिटर्न सबमिट करते हो रिटर्न में पार्ट में है ना रिटर्न होना चाहिए बोलो क्लियर हुआ दिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ठीक है आगे बढ़ सकता हूँ अभी चल रहा है स्टार्टिंग धीरे धीरे ए, ए वन बाय वन पढ़ेंगे इसको हम तो अभी तब ने सिर्फ इतनी बात की है नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है बिलर इंस्ट्रूमेंट क्या है कौन से फीचर है अब आते हैं आगे अब दो वर्ड यहाँ पे अपने पास में अब आते हैं आगे पार्ट को तो ये फीचर्स के बाद में आते आते हैं, अब आते हैं अब स्टेप स्टेप। मैंने बोला तीन इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले सिलेबस के के पार्ट अंदर। तो पहले का नहीं सीखाना <laughs> मिक्स हो जाएगा बेटा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो मैं देखता आता हूं वो पता है, क्या आता है? मिक्स टॉपिक सीखते हैं मिक्स मतलब बच्चों को ना यह डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ कि यार ड्रोवर कौन है ड्रोई कौन है एंडोरसर कौन है एंडोरसी कौन है इसी पार्ट में फर्स्ट कर दिक्कत खड़ी हो जाती है इसलिए मैंने फर्स्ट पहली स्टार्टिंग शुरुआत ऐसे की थी क्लिक करके कि गाइस जो पर्सन इशू करता है ड्रोवर जिसको इशू किया गया ड्रोई ड्रो करने वाला इशू करने वाला इशूर बोलते हैं इशूअर को ड्रोवर बोला गया यहां पे जिसको इशू किया गया ड्रोई ठीक है इसके बाद में ये किसी को आगे देगा तो ये ड्रोवर नहीं है

डेट आप डालते हो चेक के ऊपर उससे लेके तीन महीने काउंट होते हैं इसको पढ़ना नहीं पता हूँ तो मतलब क्या, कौन 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 क्या बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है अगर क्लैरिटी रहेगी ना कैन गारंटी सिंगल पार्ट में भी नहीं आने वाला आएगा चले आओ आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट समझते हैं लिखना पार्ट करते हैं देखो समझा

थ्री मंथस आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे अरुण कुमार या ऑर्डर ए सम ऑफ टेन थाउजेंड ओनली फॉर वैल्यू रिसीव तीन महीने बाद जो डेट लिखी हुई है उससे तीन महीने बाद मैं अरुण कुमार को प्रोमिस करता हूं दस हजार रुपए देने का अरुण कुमार और हिज ऑर्डर बताओ जहां पे ऑर्डर आ गया तो क्या इसे मैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहूंगा या बीर इंस्ट्रूमेंट कहूंगा क्वेश्चन नंबर वन बताओ पूछा गया बताओ अब बताओ टेलमी

कि आई भैयाग्री एंड प्रोमिस टू पे दिस अमाउंट टू दिस इतना रुपए दूंगा इस डेट के ऊपर तो ये जो प्रोमिस करने की बातें आ रही है दैट इज कॉल्ड नोट आपकी इवन ना लेकिन कि ना, नोट करेंसी नहीं होती इवन अगर आप अपनी करेंसी पे देखोगे ना नोट निकालोगे ना पांच हजार का नोट निकालोगे उस नोट पे ना लिखा होता है नीचे आई प्रोमिस टू पे दिस अमाउंट नोटिस किया आप लोगों ने जहां पर अपनी करेंसी के ऊपर सिग्नेचर होता है ना ऊपर

क्या प्रोमिजरी नोट रिटर्न में होना चाहिए बताओ रट्टा मारना पड़ेगा क्या रट्टा क्यों मारना रिटर्न रिटर्न प्रैक्टिकल सोचो रिटर्न में होगा होगा सर क्या डेट होगी डेट डेट होगी डेट भी होगी क्या बंदे का नाम होगा होगा साइन होंगे होंगे कॉमन चीज है ना भाई तो क्यों रट्टा मारे जो आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कॉमन फीचर्स सीखे हैं तो कॉमन फीचर्स विल बी अप्लाइड ऑन ऑन दिस थ्री डॉक्यूमेंट्स आल्सो कॉमन चीज

ये पहला नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है एज पर सेक्शन नंबर फोर सेक्शन नंबर फोर ऑफ दिएबल इंस्ट्रूमेंट एट एन डिफाइन क्या है, सुनना सा वर्ड है. अब एक वर्ड मत समझो मीनिंग समझो फिर लीगल पढ़ो तो so, डेफिनेशन क्या है भैया एक पर्सन प्रोमिस मतलब प्रोमिस करना एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि वो सामने वाले पर्सन को पेमेंट देगा

सर ए रिटर्न डॉक्यूमेंट हाँ है ना एक्ट के शुरू होते ही मैंने पहले इसका बेस इसलिए बताया समझ में आया क्यों बता रहा हूं बेस रट्टा नहीं मार्ग के समझ के पड़ेगा पूरे पार्ट को तो वाई समवर्ड इज राइटिंग प्रोमिस इंस्ट्रूमेंट बटा रट्टा होता गया चेक तो कर लो वाई इज राइटिंग दी वट इंस्ट्रूमेंट दैट सिंपली मीन रिटर्न डॉक्यूमेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट

मेक अ ड्रोवर रिमेंबर टू पे सर्टेन सम अमाउंट भी कैसी सर्टेन साइन अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हो रिटर्न आगे मनी ओनली फॉर मनी याद आया चेक कर रहा हूं सारे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वर्ड क्या है यह नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स थे और उन्हीं को मिला के बना दिया मीनिंग इसका प्रोमिसिंग नोट का आगे बढ़ने क्या कह रहे हैं सर ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन पर्सन भी क्या होना चाहिए सर्टेन या फिर बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम उसके ऊपर लिखा है उसका नाम उसके नाम पर तो चेक करो करोगाइज प्रोमिजी नोट का मतलब क्या अट्टा मारोगे इंस्ट्रूमेंट रिटर्निशनल साइन बाई इंस्ट्रूमेंट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिजरी नोट लेकिन आप इसको ये तो हो गया एज पर दीचरबल आपके मीनिंग ऑफ प्रोमिस नोट

जैसे एग्जाम्पल अरुण कुमार यहां लिखा था ना आई मतलब मैं कुमार नाम लिखा संतोष कुमार पॉइंट नंबर टू अरुण कुमार कौन है जिसका नाम पे दे रहे हो कौन है आई प्रोमिस आई मतलब मेकर, मेकर कर, टू पे अरुण कुमार कौन कौन करो कौन बियर पेई तो कहलाएगा ना जिसका नाम उस पर लिखा है कौन है 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 जिसका नाम करता डॉक्यूमेंट या पेई। या क्रेडिटर जिसको दिया जा रहा पेमेंट बोलो क्लियर हुआ तो यही पार्ट आपके पास में इसके इंस्ट्रूमेंट अनकंडीशनल साइन सर्टेन समर्सेंट बियर ऑर्डर इस टर्म ने प्रोमी नोट या इंस्ट्रूमेंट वेर वन पर्सन

गुड्स की सप्लाई कर रहा है इसका नाम दे रहा हूं मैं इसका नाम है चिंटू क्या नाम है चिंटू इसका नाम मिंटू इसका नाम क्या है मिंटू मिंटू चिंटू की कहानी सुना रहा हूं सुनना ध्यान से बेटा चिंटू और मिंटू की कहानी सुना रहा हूं चिंटू जो कि गुड्स का सप्लायर है उसने मिंटू को गुड्स सप्लाई की सुनना ये ऊपर बाद में पढ़ना रट्टा नहीं बस सीखते हैं चेक करता हूं चेक तुम भी करो कि जो मैंने अभी तक बोला क्या वो तुम्हें याद हुआ

क्या चिंटू मिंटू का क्रेडिटर कहलाएगा नहीं कहलाएगा बोलो हाँ ना। कहलाएगा और के कहलाएगा नाम, बता, बता, बता है? है। तो नाम सप्लायर क्रेडिटर दूसरा कस्टमर या आपके पास में डेटर ठीक है अब क्या हुआ मिंटू कैश नहीं दे रहे यहां पे कैश की बात तो हम करते ही डॉक्यूमेंट तो क्या किया डैटर ने मतलब मिंटू ने क्या किया मिंटू ने पेमेंट देने के लिए डॉक्यूमेंट इशू किया देने के लिए क्या किया चाहे प्रोमिसी नोट इशू किया बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया तीन डॉक्यूमेंट है तो क्या कर रहा है वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट इशू करता है किसके नाम से चिंटू के नाम से तो बताओ बेटा जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसका नाम क्या पड़ेगा डॉक्यूमेंट ड्रो करने वाला डॉक्यूमेंट इश्यू करने वाला है पेमेंट देने वाला क्या कहलाएगा बोलो क्या कहलाएगा क्या बोल सकता हूं इसी को बोलोगे ड्रोवर ड्रो करने वाला इसी को बोलोगे पेयर पे करने वाला हा है ना तो ड्रोवर कहूं पेयर कहूं डेटर कहूं या कस्टमर कहूं बात तो एक की बेटे no? हाँ। जिसको दिया गया वो क्या कहेगा ये कहलाएगा पेई जिसको पेमेंट मिलेगी ये कहलाएगा ड्रोई जिसको पेमेंट दी जाएगी बोलो क्लियर है या इसी को एक नाम बोल दिया गया बियर जिसका नाम से दिया जाएगा

कि प्रोमिजरी नोट क्या है मीनिंग क्या है उसका साथ साथ में उसके अपने पास में कौन कौन दो पार्टीज हैं अब बताओ मुझे क्या अगर मैं बोलू कि प्रोमिजरी नोट की असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं तो क्या रट्टा मारोगे क्या सोचो कि जो असेंशियल एलिमेंट जब कॉमन सी चीज मैं बोल रहा पापा का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बच्चे तीन ऐसा देखो ना तीन बच्चे कौन से प्रोमिजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तो तीनों बच्चों में पापा की संग पापा की क्वालिटी आएंगी नहीं आएंगी

टेन थाउजेंड रुपीज टू मोहन ठीक है मोहन और इज ऑर्डर ठीक है एक तो यह बोल रहा हूं एक मैं बोलू आई ओ या आई विल पेन बाई पेन थाउजेंड रुपीज किसके नाम पर नहीं मैंशन किया एग्जाम्पल के लिए बोला मैंने उधार दिया आई ओ टेन थाउजेंड रुपीज टू मोहन मुंह से बोल दिया कुछ मैंशन नहीं किया ना डेट ना टाइम ना साइन कुछ नहीं कर रहा हूं मैं क्या सिर्फ एक्नोलिजमेंट लेना कि हाँ मैं एग्री करता हूं पेमेंट दे दूंगा काफी रहेगा तो लोग कहते हैं एक्नोलेंट नहीं चाहिए भैया एक्नोलॉज नहीं चाहिए कि उधार दूंगा दे दिया, के दे, दे रहा हूं। तो एक्सप्रेस प्रॉमिस चाहिए रिटर्न पार्ट में लिख के दे कि तू उसे दे रहा है पेमेंट ये नहीं कि दे दूंगा सोचूंगा देख लूंगा ये पार्ट नहीं चलेंगे नंबर टू नंबर थ्री पे आया सर

रिक्वायरमेंट्स है गाइस सिग्नेचर चाहिए नाम चाहिए डेट चाहिए कंडीशन है ये नहीं है तो बताओ एक प्रॉमिस आप प्रॉमिस करो और आपका साइन भी नहीं है टेल मी कोई दिक्कत नहीं क्या? है क्या इनवैलिड रहेगा वो क्योंकि बिकॉज दैट इज इनकम्प्लीट और इनफेक्टिव वो किसी काम का ही नहीं है नेक्स्ट पे आओ आगे देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी ओनली पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हो मनी और वो भी कौन सा ए सर्टेन सम सेम टू सेम बात है जो आपने मीनिंग में पढ़ी

सर्टेन, डेफिनेट एंड ये थोड़ी होगा मैं खुद के नाम पर पांच हजार रुपए ट्रांसफर मैं पांच हजार no. आगे लिख लो कह रहा भैया लेकिन रखना एक वर्ड सुनना प्रोमिजी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियर बियर नहीं हो सकता लेकिन कैश भी नहीं हो सकता भाई साहब नाम मिलेगा वहां पर नाम मिलेगा किसी बंदे का

बोलो क्लियर हैगा क्रॉस सिग्नेचर सर्टेन नेम बेयरर के नाम पे ओनली आरबीसीजी कर सकता है एंड दिस इज योर गाइस प्रॉमिसरी नोट इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच टेक केयर गाना गाओ जाओ बाय बाय और टाटा सी यू अगेन कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे देन बाय 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 टेक केयर सी यू बाय हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं सी एस सी संतोष कुमार मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ना जाए एट द द रीजनेबल कॉस्ट अंडर ब्रांड नेम ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरे बच्चों इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स से किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कंट्रोल्स बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए मेरे बच्चों कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँस मिश्रा हेलो मै नीम राहुल संतोष सर की टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ आपको